नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे स्टडी सेंटर फॉर यू पर। आज हम पढ़ने वाले हैं हिरोशिमा दिवस पर आसान शब्दों में निबंध। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि ऐसे ही वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो आइए शुरू करते हैं। हर साल हिरोशिमा दिवस को एक शोक दिवस के रूप में याद किया जाता है। 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा नगर पर लिटिल बॉय नामक पहला परमाणु बम गिराया था। इस बम के गिरने के बाद द्वितीय विश्व युद्ध का खात्मा कर दिया था। इस बम के प्रभाव से 13 वर्ग किमी में तबाही मच गई थी। हिरोशिमा की 3.5 लाख की आबादी में से 1,40,000 लोग एक झटके में ही मारे गए। यह सब सैनिक नहीं थे, इनमें से अधिकांश साधारण नागरिक, बच्चे, बूढ़े तथा स्त्रियां थी। इसके बाद भी अनेक वर्षों तक अनगिनत लोग विकिरण के प्रभाव से मरते रहे। हिरोशिमा को 6 अगस्त 1945 तक जापान के एक औद्योगिक नगर के रूप में जाना जाता था। दूसरे विश्व युद्ध के समय जापानी सेना की 5वीं डिवीजन का यहाँ मुख्यालय था। यहाँ सैनिक छावनी भी थी और यह सैनिक आपूर्ति का मार्ग का महत्वपूर्ण पड़ाव था। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान 6 अगस्त से पूर्व इस नगर पर अमेरिका ने बमबारी नहीं की थी ताकि अणुबम से होने वाले नुकसान का सटीक आकलन किया जा सके। विश्व में पहली बार 6 अगस्त 1945 को जब इस शहर पर लिटिल बॉय नाम का अणुबम गिराया गया, तब जापान सरकार के राशन आपूर्ति के आंकड़ों के अनुसार शहर में कुल आबादी 2,55,000 थी, लेकिन इस शहर में लगातार सैनिक और सहायक मजदूर आ जा रहे थे। गैर आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार नगर की तत्कालीन आबादी 3,81,000 के आसपास थी। जापान के हिरोशिमा शहर पर वर्षों पहले हुए खतरनाक हमले का आज भी असर दिखाई देता है। बड़ी संख्या में यहाँ के बच्चे विकलांग रूप में ही जन्म लेते हैं। इतने सालों बाद आज भी उन जहरीले विकिरणों के कारण हजारों लोग कैंसर और ल्यूकेमिया जैसी बीमारियों से अपना जान गंवाते हैं। हिरोशिमा दिवस मनाने का मकसद दुनिया में शांति की राजनीति को प्रोत्साहित करना और परमाणु बम के हमले से होने वाले नुकसान के प्रति जागरूकता पैदा करना है। 1945 में हुआ यह परमाणु हमला दुनिया के किसी भी शहर पर हुआ पहला परमाणु हमला था। इससे एक ही झटके में हजारों लोगों की जान चली गई थी। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।